बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई ने आज जो सियालकोट में जलसा करना था उसके ऊपर पुलिस ने दावा बोला है और ऑपरेशन किया है। आप लोगों को इब्तदाई रिपोर्ट्स और लाइव मनाजर भी हम वीडियो में दिखा रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूं कि जो पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर जब दावा बोला और ऑपरेशन किया, आंसू गैस के शैल बरसाए, तो जो तहरीक इंसाफ के लोग पंडाल के अंदर मौजूद थे वो वहाँ से भाग निकले और जो कुर्सियाँ हैं अब पुलिस की जानब से ट्रालियों के ऊपर लाद कर बाहर लाई जा रही हैं और बाहर फेंकी जा रही हैं पंडाल से। और जो पंडाल का मरकजी मेन गेट था उसको भी कंटेनर के ज़रिए बंद कर दिया गया है और पीटीआई के कई बड़े रहनुमाओं को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। मैं आप लोगों को उनके नाम भी बता देता हूँ। इसके अलावा बताया यही जा रहा है कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको भी गिरफ़्तार करने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और उसके बाद उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। आप लोगों को बताता चलूं कि पीटीआई के अहम तरीन रहनुमा हामद रज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके अलावा उस्मान डार की भी पुलिस ने खूब छतरोल किया है और मुतअद्दिद कारकुनान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।